खगड़िया पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात और इनामी छबीला यादव समेत तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक छबीला यादव पर सरकार ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था, जो वर्षों से फरार चल रहा था। दरअसल पुलिस को कुछ अपराधियों के जमा होने की सूचना मिली थी और इसी के आधार पर छापेमारी के दौरान अपराधियों से मुठभेड़ होने पर यह सफलता हासिल हुई। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक अमेरिकन ऑटोमेटिक राइफल, एक देसी राइफल, एक देसी कट्टा, 80 राउंड जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद किया है। कौन सविला यादव जो अपने साथी के साथ पकड़ा है, कौन 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 के साथ? इसमें अभी जो कल की जो ये कार्रवाई है, एसटीएफ की तरफ से हमें कुछ इंटेल मिल रहा था, पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन की, जो इनामी अपराधकर्मी है छबीला यादव अपने अन्य सहयोगियों के साथ उसका मूवमेंट रोहियार की तरफ है। उसी इंफॉर्मेशन पे रिएक्ट करते हुए एसटीएफ के साथ हमारे थाना स्तर से जो एसएचओ यहां मानसी हैं दीपक और साथ में संजीव हैं और एसटीएफ की जो टीम आई थी उन लोगों के साथ सबको मिला के एक टीम बनाया गया और टीम बना के वहाँ पर छापेमारी करवाएगी। उसमें ये हुआ कि छबीला यादव की गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ जो तीन और थे वो भागने में सफल हो रहे थे उस समय, लेकिन बाद में छबीला से जो पूछताछ की गई वहाँ पे गिरफ्तारी के बाद और उसने बताया जिस तरह से, तो उसके बताए अनुसार फिर रेड किया गया। तब जाके रोहियार में दो और अपराधकर्मी जिनके साथ की पुलिस का मतलब राउंड्स भी फायर हुआ है, दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है, उसमें दो और अपराधकर्मी पकड़ाए गए।